देखिए, मैं 1996 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। 2005 से लेकर के 2014 तक विभिन्न दायित्वों पर काम करते हुए पार्टी ने मुझे 2009 में बल्लभगढ़ विधानसभा से मुझ पर भरोसा जताया और मुझे विधानसभा का टिकट दिया। 2009 के चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहा। उसके बाद 2014 के जब सरकार हरियाणा में बनी तो माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे अपनी सरकार में लेबर फेडरेशन का मुझे चेयरमैन बनाया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, फरीदाबाद के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र तेवतिया का निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी के नेता और हरियाणा लेबर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र तेवतिया का आज निधन हो गया है। बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से नेता की मौत हुई है। वो आज सुबह 7:30 बजे पार्क में घूम रहे थे और अपने निवास पर आकर बैठे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। सुरेंद्र तेवतिया की उम्र 55 वर्ष के करीब थी। वो काफी मिलनसार थे और पृथला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि काफी समय से वे अपने नाम के साथ भाजपा नेता नहीं लिख रहे थे। वहीं उनके निधन के साथ ही परिवार में शोक की लहर है। अचानक से सुरेंद्र तेवतिया की मौत हुई है, जिससे कई लोगों को हैरानी भी हो रही है और उनके करीबी लोग उनकी मौत की खबर सुनकर सदमे में हैं।